पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से हुए 2,51,000 रुपए लूट मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 32,400 रुपए भी बरामद किया है। इस संबंध में सदर डीएसपी सहबान हबीब फाकरी का बताना है कि 14 सितंबर को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर स्थित साई कृपा फ्यूल सर्विसेज के मैनेजर संतोष कुमार से बाइक सवार 4 की संख्या में हथियारबद्ध अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद कल्याणपुर थाना में 269/21 कांड दर्ज किया गया था। इस मामले में अनुसंधान के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोनू कुमार नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ के आधार पर उसके अन्य सहयोगी रोशन कुमार, गौतम कुमार और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद किया है। हमारे यहाँ 14 सितंबर को कल्याणपुर थाना के वीर सिंहपुर में लूट की घटना हुई थी, जिनके सवाल किया है। उस लूट की घटना के बाद फिर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया, उनके निर्देशन और इंटरेस्ट किया, टीम का गठन हुआ, तकनीकी शाखा का सहयोग लिया गया। उनके सहयोग से कुछ तकनीकी साक्ष्य आए, जिसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है तथा लूटे गए माल में से जो 2,00,000 रुपया लगभग 2,50,000 रुपया जो बात प्रकाश में आई थी, उसमें से 32,000 रुपये की बरामद हुई है। कितने लोग पकड़े? कुल अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ और लोगों के विरुद्ध भी साक्ष्य है, जिसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, उनके विरुद्ध भी ठोस साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जिसके उपरांत उनके ऊपर भी आपराधिक इतिहास जहाँ तक अभी मुझे पता है उनके आपराधिक इतिहास को हम लोग खंगाल रहे हैं। घटना क्या हुआ था सर? जैसे लूट की घटना हुई थी 14 सितंबर को 11:15 थे, उसी में बरामद हुई है, उसी में अभियुक्तों की गिरफ्तारी। कहाँ लूट हुई थी सर? वीर सिंहपुर कल्याणपुर थाना अंतर्गत वीर सिंहपुर दरभंगा जाने वाले हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।